और अब बात करते हैं उज्जैन के, जहां की सुभाष नगर स्थित दो तालाब के पास द विजन हायर सेकेंडरी स्कूल में लंच के दौरान नाबालिग स्कूली छात्रों में खूनी संघर्ष हो गया। स्कूल में चाकूबाजी की घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। दसवीं की कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने बारहवीं की कक्षा के छात्र को चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल छात्र को उज्जैन के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद से नाराज परिजन स्कूल में तोड़फोड़ कर दिए। इंदौर रोड स्थित दो तालाब के पास लगने वाले द डिवाइन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बारहवीं कक्षा के नाबालिग छात्र और दसवीं कक्षा के छात्र के बीच घूरने की बात पर कहा सुनी इतनी बढ़ी कि स्कूल में लंच के दौरान ही खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान चाकुओं से हमला कर बारहवीं के छात्र को दसवीं के छात्र ने घायल कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद उसे इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इसके बाद नीलगंगा थाना पुलिस को भी जानकारी दी गई। पुलिस ने जानकारी ली तो पता चला कि दोनों छात्रों का अपना ही गुट है और शुक्रवार को घूरने की बात को लेकर दोनों छात्रों में चाकूबाजी की घटना हो गई। फिलहाल आरोपी छात्र फरार बताया गया है, तो वहीं घायल छात्र का इलाज जारी है। चाकूबाजी की घटना की जानकारी लगते ही घायल छात्र के पिता स्कूल पहुंचे और घटना को लेकर जानकारी ली। स्कूल प्रबंधन से भी बातचीत करनी चाहिए, लेकिन प्रबंधन ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इस पर घायल छात्र के परिजनों ने नाराज होकर स्कूल में तोड़फोड़ कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।